कैसे हैं दोस्तों? तो भाई अब हम करने जा रहे हैं अपनी अगली डेफिनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे इस एम्प्लॉई कंपनसेशन एक्ट में। डिपेंडेंट की डेफिनेशन का अपना बहुत बड़ा रोल है दोस्तों, तो इस डेफिनेशन को हम एक एक करके हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे दोस्तों, और इस डेफिनेशन को सीखने के लिए आपको बहुत चीजें समझनी पड़ेंगी। आप अगर उसका रट्टा लगाना चाहेंगे दोस्तों, दैट इज नॉट गोइंग टू बी द सॉल्यूशन ऑफ दैट। हमें समझना पड़ेगा कि आखिरकार क्यों किसी व्यक्ति को डिपेंडेंट माना गया। तो डिपेंडेंट या तो डायरेक्टली मान लो कि भैया ये लोग तो डिपेंडेंट है ही, अगर कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है जॉब करते करते तो उस एम्प्लॉय को कंपनसेशन मिलना है। जो व्यक्ति एक्सपायर हो गया उसे बोलते हैं डिसीज्ड एम्प्लॉय। अब उस डिसीज्ड एम्प्लॉय के जो डिपेंडेंट्स हैं उन्हीं को कंपनसेशन मिलना है। सवाल लिया जाता है भैया कि अब डिपेंडेंट है कौन, तो उस डिपेंडेंट की पहचान करने के लिए हमें यह सारा का सारा काम करना है, राइट? अब या तो व्यक्ति ऐसा होगा, इस तरह के रिलेशन में होगा कि वो डायरेक्टली डिपेंडेंट काउंट हो गया, यानी इतना क्लोज रिलेशन कि उसे सीधा ही डिपेंडेंट मान लिया जाएगा बिना किसी कंडीशन के। लेकिन ऐसा भी हो सकता है जहां पर हम सोचेंगे कि भाई इसे डिपेंडेंट माने या ना माने, अगर मानेंगे तो किस कंडीशन में मानेंगे। जैसे कि अगर वो व्यक्ति होल्ली डिपेंडेंट है इसी डिसीज्ड एम्प्लॉय पर, एट द टाइम ऑफ डेथ जितनी भी वो अर्निंग्स करता था भैया, उसका टोटल जो अमाउंट आता था उसी अर्निंग पर इस व्यक्ति की डिपेंडेंसी थी, तो हम कहेंगे हाँ ये डिपेंडेंट की कैटेगरी में आ जाएगा अगर वो होल्ली डिपेंडेंट है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो होल्ली डिपेंडेंट हो या पार्टली डिपेंडेंट हो, उन्हें भी डिपेंडेंट की कैटेगरी में माना जाएगा और उन्हें भी कंपनसेशन लेने का अधिकार होगा। तो मैंने तीन हिस्सों में इसे बांट दिया। एक व्यक्ति जो डिसीज हो गया, एक्सपायर हो गया, डिसीज एम्प्लॉय है, उस व्यक्ति से जुड़े हुए कुछ लोग डायरेक्टली डिपेंडेंट बिना किसी कंडीशन के। कुछ ऐसे लोग अगर वो होल्ली डिपेंडेंट होंगे तभी हम उन्हें क्या मानेंगे, डिपेंडेंट मानेंगे। अगर वो होल्ली डिपेंडेंट नहीं है, पार्टली डिपेंडेंट है, तो उन्हें डिपेंडेंट की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो ये कुछ ऐसे व्यक्ति जिनका होल्ली डिपेंडेंट होना जरूरी है, किसकी अर्निंग्स पर, डिसीज्ड एम्प्लॉय की अर्निंग पर एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। तीसरी कैटेगरी आता है जहां पर ये लोग चाहे होल्ली डिपेंडेंट हो या पार्टली डिपेंडेंट हो, किसकी अर्निंग पर, डिसीज्ड एम्प्लॉय की अर्निंग पर एट द टाइम ऑफ हिज डेथ और हर डेथ, इन्हें डिपेंडेंट मान लिया जाएगा। अब सवाल यह आता है कि जो हमने ये तीन कैटेगरी बना दी, कैटेगरी नंबर वन, कैटेगरी नंबर टू, कैटेगरी नंबर थ्री, इस कैटेगरी वन में कौन से लोग हैं जिन्हें हम डायरेक्टली डिपेंडेंट मानेंगे, आइए देखें। तो कैटेगरी वन के अंदर हम ये डिस्कशन करना शुरू करते हैं दोस्तों। ये है हमारा डिसीज्ड एम्प्लॉय। इस पूरे के पूरे चार्ट को आप थोड़ी देर बाद अच्छी तरह से समझ जाएंगे। हम इसमें नंबरिंग करने वाले हैं। इस डिसीज्ड एम्प्लॉय से जुड़े हुए जितने भी रिलेशंस हैं हमने उसे चार्ट की फॉर्म में लिख लिया है। तो डिसीज्ड एम्प्लॉय है, ये तो चल बसा, ठीक है जी। अब ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जो डायरेक्टली इसके डिपेंडेंट माने जाएंगे, आइए देखना शुरू करें। सबसे पहले इसकी वाइफ, अगर इसकी वाइफ जो कि विडो हो गई वो डिपेंडेंट मानी जाएगी। ये हो गया पॉइंट नंबर वन, डिपेंडेंट है, डायरेक्टली डिपेंडेंट मान लिया, डी वन लिख दिया। अगर इस व्यक्ति की मदर है, इसके पेरेंट्स की बात करूं और पेरेंट्स में मदर, वो मदर जो कि विडो हो गई है, यानी इस व्यक्ति के पिताजी एक्सपायर हो गए हैं, तो वो डायरेक्टली इस पर डिपेंडेंट मानी जाएगी, पॉइंट नंबर टू। तो इसकी वाइफ जो विडो हो गई, या इसकी मदर जो विडो है, यानी इसके पिताजी एक्सपायर हो चुके हैं और मदर, इस पर डायरेक्टली डिपेंडेंट ही होगी। और कौन पालेगा भाई, अब मां को पालने की जिम्मेदारी बच्चे की है, राइट? तो मदर जो विडो हो गई, ये है डी वन और डी टू का हमारा काम, ये डायरेक्टली डिपेंडेंट मान लिए जाएंगे। अब आगे, अगर इस व्यक्ति का
बेटा है कोई, सन। अब सन भी देखो कैसे हो सकते हैं, लेजिटिमेट भी हो सकता है, अडॉप्टेड भी हो सकता है और इललेजिटिमेट सन भी हो सकता है। उसी तरह डॉटर भी लेजिटिमेट भी हो सकती है, अडॉप्टेड भी हो सकती है और इललेजिटिमेट डॉटर भी हो सकती है। तो अब डिसीज्ड एम्प्लॉई के एक्सपायर होने के बाद उसका जो बेटा लेजिटिमेट माइनर अगर होगा, माइनर बेटा, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, मेजर की बात नहीं हो रही, माइनर बच्चे की बात हो रही है, लेजिटिमेट बच्चे की बात हो रही है, ये जो है डायरेक्टली डिपेंडेंट माना जाएगा। अगर इसका बेटा ये अडॉप्टेड भी हुआ, लीगली अडॉप्टेड बच्चा है ये, तो भी ये डायरेक्टली डिपेंडेंट माना जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? सो हमने चार बातें सीखी, डिसीज्ड एम्प्लॉय की विडो, डिसीज्ड एम्प्लॉय के पेरेंट्स में उसकी जो मदर है जो विडो हो गई वो, और यहां पर डिसीज्ड एम्प्लॉय का बेटा जो कि लेजिटिमेट है, ठीक है, और या फिर वो अडॉप्टेड है, बट ये होने कैसे चाहिए, माइनर होने चाहिए, मेजर नहीं। माइनर सन है तो सीधा डिपेंडेंट माना जाएगा और इसको कंपनसेशन मिलेगा, इललेजिटिमेट को नहीं। अभी सिर्फ माइनर किसकी बात हो रही है, माइनर लेजिटिमेट एंड माइनर अडॉप्टेड सन की बात हो रही है। डॉटर की तरफ आ जाएं तो भैया अगर लेजिटिमेट डॉटर है या अडॉप्टेड डॉटर है, मगर कैसी, अनमैरिड है, अगर अनमैरिड लेजिटिमेट डॉटर हो या अनमैरिड अडॉप्टेड डॉटर हो तो इस केस में भी वो डिपेंडेंट मान ली जाएगी। यानी पॉइंट नंबर 5, D5 एंड D6, यानी डिपेंडेंट डायरेक्टली मान लिए जाएंगे। तो 6 पॉइंट आपने दोस्तों देख लिए जहां पर डायरेक्टली डिपेंडेंट माने जाएंगे ये लोग, और ये 6 ही हैं जिनको डायरेक्टली डिपेंडेंट यहां माना जा रहा है। किस किस को, विडो को यानी उसकी वाइफ जो अब बच गई है, बची हुई है, और ये तो खुद एक्सपायर हो गए साहब। इस व्यक्ति की माताश्री जो कि विडो है वो भी डायरेक्टली डिपेंडेंट मानी जाएंगी। इनके सन चाहे लेजिटिमेट या अडॉप्टेड हो, अगर वो माइनर हैं तो भी वो डायरेक्टली डिपेंडेंट मान लिए जाएंगे बिना किसी शर्त के, और अगर इनकी डॉटर है लेजिटिमेट एंड अडॉप्टेड दोनों, अगर वो अनमैरिड हैं दोस्तों तो अनमैरिड के केस में वो डायरेक्टली डिपेंडेंट मान ली जाएंगी। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? तो ये जो है डायरेक्टली डिपेंडेंट मान लिए गए। अब हम आते हैं ऐसे कौन से लोग होंगे अगर वो होली डिपेंडेंट होंगे इन पर, इस व्यक्ति पर अगर वो होली डिपेंडेंट हैं तभी उन्हें क्या माना जाएगा, डिपेंडेंट माना जाएगा। अगर वो इन पर डिपेंडेंट नहीं थे इनकी मृत्यु के समय तो उन्हें हम डिपेंडेंट की कैटेगरी में नहीं डालेंगे। यानी अगर इस व्यक्ति का बेटा या बेटी मेजर हो गए, अभी तो हमने माइनर की बात की थी, डॉटर की जब बात की तो मैंने अनमैरिड डॉटर की बात की, ठीक है, चाहे वो लेजिटिमेट थी चाहे वो अडॉप्टेड थी। अब मैं बात कर रहा हूं सन और डॉटर की। सन और डॉटर अगर उन्होंने 18 साल की एज अटेन कर ली है, 18 साल की एज अटेन कर ली है और वो वीक हैं, सिक हैं यानी इनफर्म हैं, अपना ख्याल खुद नहीं रख सकते थे, यानी ये लोग होली डिपेंडेंट थे किस पर, है तो मेजर, अभी मैंने कहा कि खुद कमा रहे हैं उसकी बात नहीं कर रहे, वो तो अलग ही हो गए, वो तो डिपेंडेंट के कैटेगरी में आए नहीं। लेकिन अगर ये मान लो 18 साल की एज अटेन कर भी चुके हैं मगर इनफॉर्म है, मजबूत नहीं है यानी वीक है,
सिक रहते हैं, किसी कारण से बीमार हैं किसी भी तरीके की, और इस कारण से वो होली डिपेंडेंट थे इस डिसीज्ड एम्प्लॉय पर, तो दोस्तों ये लोग भी क्या मान लिए जाएंगे, डिपेंडेंट मान लिए जाएंगे। तो 18 साल से ऊपर अगर बेटा बेटी होंगे तो हम उसको क्या नहीं मानने वाले, हम डिपेंडेंट नहीं मानने वाले। अगर वो अपनी अर्निंग कर रहे हैं तो भैया क्या किस बात की डिपेंडेंसी। यहां पर अगर उन्होंने अटेन कर भी ली एज 18 साल की, लेकिन वो इनफर्म है और होली डिपेंडेंट इसीलिए लोग हैं, तो भैया हम क्या मानेंगे इन्हें, होली डिपेंडेंट होंगे अगर ये, तभी हम इन्हें डिपेंडेंट मानेंगे। इज दैट वेरी वेरी क्लियर टू यू? सो इफ होली डिपेंडेंट आपके सामने नजर आ जाए, 18 साल अटेन कर ली, इनफर्म है, तो ये भी डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएंगे। हमने दो पॉइंट सीख लिए दोस्तों। एक हमने वो हिस्सा सीखा है जहां पर डायरेक्टली हमने उन्हें डिपेंडेंट मान लिया, D1, D2, D3, D4, D5, D6। इसके बाद हमने देखा कि होली डिपेंडेंट कौन है, वो यहां आ गए, अडॉप्टेड सन अडॉप्टेड डॉटर भी इसी में काउंट होगी, ध्यान रखिएगा। इज दैट वेरी क्लियर? अब जो बचे हुए हैं वो सारे के सारे क्या है, अगर वो होली या पार्शली किसी भी तरह से डिपेंडेंट है तो वो डिपेंडेंट की कैटेगरी में आएंगे। आइए देखें, ऊपर से शुरू करते हैं। इस व्यक्ति के पेरेंट्स, पेरेंट्स में अदर देन मदर, अदर देन विडोड मदर, अदर देन विडोड मदर, क्योंकि विडोड मदर को तो हमने डायरेक्टली डिपेंडेंट की कैटेगरी में डाल दिया, तो अब उनको भूल जाओ। पेरेंट्स में विडोड मदर के अलावा फादर आ गए, ठीक है। अब मान लो पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स हैं और पेरेंट्स जिंदा नहीं है, यानी इस व्यक्ति के जो कि एक्सपायर हुआ पेरेंट्स तो पहले ही गुजर चुके, लेकिन इस व्यक्ति के ग्रैंड पेरेंट्स, पेटर्नल ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा हैं, तो भैया अगर आपके पेरेंट नहीं है लेकिन इस मिस्टर एम्प्लॉय के पेरेंट नहीं है मगर ग्रैंड पेरेंट है, तो ये भी डिपेंडेंट माने जाएंगे। कब? अगर वो होली या पार्शली इस व्यक्ति पर डिपेंडेंट थे। तो एक पॉइंट हमने ये सीख लिया, होली स्लैश पार्शली W/P लिखा मैंने, डिपेंडेंट। तो ये हो गया पॉइंट नंबर टू, और ये डॉटेड लाइन जो है इसके बेसिस पर आप समझ जाएंगे। अच्छा, अगर ये डिसीज्ड एम्प्लॉई कोई लेडी होती तो, फीमेल होती तो भैया ऐसे केस में जो इनके विडोअर हैं यानी इनके पति, अगर ये होली या पार्शली अपनी वाइफ की अर्निंग पर डिपेंडेंट थे, किसी भी कारणवश डिपेंडेंट हो सकते हैं, तो ये भी क्या माने जाएंगे, डिपेंडेंट। तो अब हमने सीख लिए तीन पॉइंट्स, यानी हम यहां से ऊपर गए, पेरेंट्स में नजर आए, उसके और ऊपर गए, ग्रैंड पेरेंट्स में नजर आए, होली और पार्शली डिपेंडेंट, और विडोअर अगर ये फीमेल है तो यहां पर हमें होली और पार्शली डिपेंडेंसी नजर आई। अब इसी लाइन में, अभी नीचे बच्चों की तरफ नहीं जा रहे, इसी लाइन में अगर इस व्यक्ति का कोई ब्रदर या सिस्टर है, अब ब्रदर माइनर है जो कि होली और पार्शली इन पर डिपेंडेंट है, तो भैया इसको भी हम क्या मान लेंगे, पॉइंट नंबर फोर, डिपेंडेंट की कैटेगरी में। उसी तरह से मैरिड अगर ये सिस्टर होगी प्लस माइनर, कई बार ऐसा भी हो जाता है, हालांकि माइनर में आज की डेट में शादी करना जो है इट इज नॉट अलाउड, मगर ऐसी पोजीशन कई बार सामने अगर आ जाती है तो क्या करें, क्योंकि जो शादियां हो चुकी इस एक्ट के हिसाब से उनको तो इंक्लूड कर ही लिया गया, राइट। हालांकि आज की डेट में माइनर्स की शादी करना जुर्म है, बट अगर मैरिड है और माइनर भी है सिस्टर, या माइनर है और विडो हो गई, है माइनर मगर उसके हस्बैंड एक्सपायर हो गए, इन दोनों ही केसेस में ये सिस्टर इस व्यक्ति पर डिपेंडेंट थी, चाहे होली या पार्शली। तो पॉइंट नंबर फाइव ही आ गया, मैरिड प्लस माइनर या विडोड प्लस माइनर। तो अगर ब्रदर माइनर है और होली या पार्शली डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट माना जाएगा, सिस्टर मैरिड है प्लस माइनर है तो भी डिपेंडेंट मानी जाएगी, पॉइंट नंबर फाइव लिख लिया। विडोड प्लस माइनर है तो भी क्या मानी जाएगी, डिपेंडेंट मानी जाएगी। तो हमने
ऊपर के लेवल देख लिए, साथ के लेवल देख लिए, अब नीचे आ जाते हैं। अगर इस व्यक्ति का कोई सन इललेजिटिमेट सन है, उसे भी डिपेंडेंट मान लिया जाएगा अगर वो माइनर होगा और होली या पार्शली डिपेंडेंट होगा। अगर मान लो ये होली या पार्शली इस व्यक्ति पर डिपेंडेंट नहीं था, तो इललेजिटिमेट सन को हम डिपेंडेंट की कैटेगरी में नहीं डालेंगे, उसे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं माना जाता। इज दैट वेरी क्लियर और नॉट? सो डायरेक्टली हमने डिपेंडेंट किसको मान लिया था? लेजिटिमेट या अडॉप्टेड सन को, अगर वो माइनर था उसको डायरेक्टली डिपेंडेंट मान लिया था। लेकिन इललेजिटिमेट सन अगर माइनर भी है तो उसे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं मानेंगे। कब मान सकते हैं उसे डिपेंडेंट? अगर वो होली या पार्शली इस व्यक्ति की अर्निंग पर डिपेंडेंट था। तो हमने 6 पॉइंट यहां कर लिए थे, 7वां पॉइंट आपको यहां मिल गया। अब सन के साथ डॉटर पे आ जाओ। जिस तरह से हमने यहां माइनर को देखा था सन के केस में, डॉटर के केस में सब में अनमैरिड का सीन था, राइट? अनमैरिड, अनमैरिड अगर डॉटर थी, चाहे वो लेजिटिमेट थी या अडॉप्टेड थी, हमने उसे डायरेक्टली डिपेंडेंट मान लिया था। लेकिन अगर वो इललेजिटिमेट डॉटर है, तो भैया ऐसे केस में अगर वो अनमैरिड है तो उसे भी डिपेंडेंट माना जा सकता है। लेकिन कब? अगर वो होली या पार्शली इस व्यक्ति की अर्निंग पर डिपेंडेंट थी। तो पॉइंट नंबर 7 यहां हो चुका था, ये आ गया पॉइंट नंबर 8, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और मैंने ये एक तरह से इसको ये डॉटेड लाइन बनाई हुई है, आप यहां से पहचान सकते हैं W/P के सारे पॉइंट्स डॉटेड वाले हैं। अच्छा, अब इसकी डॉटर, चाहे वो लेजिटिमेट हो, अडॉप्टेड हो या इलेजिटिमेट हो, अगर वो मैरिड है और माइनर है, या विडोड है या माइनर है, प्लस माइनर है, जैसे उसकी सिस्टर का केस था, इसकी सिस्टर मैरिड प्लस माइनर थी या विडोड प्लस माइनर थी, तो हमने चेक किया था इफ शी इज होली और पार्शली डिपेंडेंट, तो हमने डिपेंडेंट की कैटेगरी में डाल दिया था इसे। यहां पर भी उसकी डॉटर के साथ भी बिल्कुल सेम रूल अप्लाई होगा, चाहे वो लेजिटिमेट हो, अडॉप्टेड हो या इललेजिटिमेट हो। अगर वो मैरिड है प्लस माइनर है, या फिर विडो है प्लस माइनर है, इस केस में भी उसे माइनर मैरिड को या विडोड माइनर को क्या कर लिया जाएगा? डिपेंडेंट मान लिया जाएगा। ये 10 पॉइंट्स हो गए दोस्तों, क्या ये बात समझ आई? ये वाला सारा केस खत्म हो गया। मैरिड वाला जो मैंने यहां लिखा था, ये सारे पॉइंट्स, एक तरफ अनमैरिड है एक तरफ मैरिड है, मैरिड वाले तीनों इकट्ठे हमने यहां लिख लिए, इसीलिए यहां से इसे मैं रब कर रहा हूं। सो इसको लिखने की कोई जरूरत यहां पर नहीं है। इज दैट क्लियर? तो मैरिड वाले पॉइंट हमने वहां से निकाल करके नीचे लिख दिए तीनों के लिए। अब चलते हैं आगे। डिसीज्ड एम्प्लॉय के सबसे ऊपर देखा पैटर्नल, फिर पेरेंट्स की बात आई, ब्रदर सिस्टर की बात आई, विडो विडोअर विडोअर की बात आई, ठीक है जी। फिर उसके बाद सन, उससे जुड़ी हुई बात आई, डॉटर से जुड़ी बात आई। अब एक लेवल और नीचे चलो, अगर इसके इस डिसीज्ड एम्प्लॉय का कोई पोता है, ग्रैंड सन है, यानी या ग्रैंड डॉटर है, कोई भी चाइल्ड है, यानी इसके सन का कोई चाइल्ड, तो क्या होगा? अब ये सन जिंदा भी हो सकता है और एक्सपायर भी हो सकता है। हो सकता है ये पहले ही एक्सपायर हो चुका हो, डिसीज्ड हो। तो ये व्यक्ति अब डिसीज हुआ, लेकिन इसके मरने से पहले इसका बेटा पहले ही मर चुका था, ऐसी पोजीशन भी आ सकती है। अब अगर ये सन मर चुका है और इसकी शादी हो चुकी थी, यानी इस व्यक्ति की वाइफ, यानी इस डिसीज्ड एम्प्लॉय की बहू, अगर वो जिंदा है, तो भैया वो भी तो इसी पर हो सकता है होली या पार्शली डिपेंडेंट हो। सो ये तो व्यक्ति अब एक्सपायर हुआ, उसका सन अगर उससे पहले ही एक्सपायर हो चुका था, तो इस व्यक्ति की डॉटर इन लॉ, आइए जरा बात कर लें इस पॉइंट पे, डॉटर इन लॉ, विडोड डॉटर इन लॉ, अगर वो भी इस व्यक्ति की अर्निंग पर होली और पार्शली डिपेंडेंट थी,
तो ये भी क्या मान ली जाएगी, डिपेंडेंट मान ली जाएगी। यानी हम एक लेवल और नीचे आ गए हैं। अब मान लो इसका सन एक्सपायर हो चुका है और आगे चल रहे हैं हम, और उसके बेटे का भी बेटा जिंदा है या कोई बेटी जिंदा है, यानी ग्रैंड चिल्ड्रन की बात आ गई अब, तो इसका माइनर चाइल्ड है बेटे का, पहले बेटे की बात कर लेते हैं, यानी इसका पोता, या पोती, लेकिन वो क्या होना चाहिए, माइनर, माइनर चाइल्ड ऑफ प्री डिसीज्ड सन, पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, पोता या पोती जो कि होल्ली इसकी अर्निंग पर डिपेंडेंट है, तो वो भी डिपेंडेंट की कैटेगरी में ही आएंगे भाई साहब। तो यानी ये आ गया पॉइंट नंबर 12 एक। अब मान लो कि माइनर चाइल्ड है प्री डिसीज्ड डॉटर, यानी इस व्यक्ति की डॉटर जिसकी शादी हो चुकी है वो एक्सपायर हो गई, एक्सपायर होने के बाद इनके नाती, ठीक है, चाहे बेटा चाहे नाती हो या नातिन हो, यानी चाहे बॉय या गर्ल, इनकी बेटी की बेटी या बेटी का बेटा, अगर वो माइनर चाइल्ड हैं और बेटी एक्सपायर हो चुकी है, तो वो जो बच्चे हैं जो नाती हैं इसके, वो भी इस पर डिपेंडेंट माने जा सकते हैं अगर वो होल्ली या पार्शली इसकी अर्निंग पर डिपेंडेंट थे। शर्त क्या, अब आप कहोगे जी जो इसकी डॉटर के हस्बैंड थे यानी इनके दामाद साहब, अगर वो जिंदा है तो, अगर वो जिंदा है तो वो संभालेंगे भाई, फिर डिपेंडेंसी किस बात की। लेकिन अगर वो भी एक्सपायर हो गए, फॉर एग्जाम्पल ये सब कार में जा रहे थे दोनों, इनकी बेटी और दामाद, उनका एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सपायर हो जाते हैं, अब उस माइनर चाइल्ड के तो बच्चे के तो फादर मदर दोनों ही जिंदा नहीं है, यानी इनकी बेटी और बेटा, बेटी और दामाद दोनों एक्सपायर हो गए। अब वो माइनर चाइल्ड इन्हीं पर डिपेंडेंट था या थी, तो इफ उनके कोई उस बच्चे के पेरेंट अलाइव नहीं है तो वो भी इस पर डिपेंडेंट मान लिए जाएंगे। ये है दोस्तों हमारा डिपेंडेंट की डेफिनेशन, पूरे के पूरे डिपेंडेंट की डेफिनेशन आपने ये सीखी। इंप्लॉई कंपनसेशन एक्ट में आप देख लीजिएगा कहीं पर भी ढूंढकर, अगर आपको इससे ज्यादा आसानी से समझ आ जाए, राइट। सो हमने इसे कोशिश की के बिल्कुल एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन किया जाए अच्छी तरह से, और डिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट था, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है कभी भी डिपेंडेंट की डेफिनेशन को करते समय, कि आप उसकी पिछली जनरेशन और अगली जनरेशन में डिवीजन बना पाए, राइट। तो दिस इज व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके साथ की जनरेशन, उसके भाई बहन को भी देखा, उसके वाइफ या उसके हस्बैंड को भी देखा, बच्चों को भी देखा, बच्चों के बच्चों को भी देखा, इधर उसके पेरेंट्स को भी देखा और ग्रैंड पेरेंट्स को भी देखा, यानी दो पीढ़ियां ऊपर, दो पीढ़ियां नीचे और एक साथ की पीढ़ी। हमने पांच लेवल पर इस पूरे के पूरे डेफिनेशन को डिस्कस किया दोस्तों। आप अब इसे अपनी बुक में से पढ़ें और इसमें ऐसा कोई पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ ना आए। और इसी के साथ हम ये सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर से मिलेंगे दोस्तों, बाय बाय।